तो इसके साथ साथ आगे भी जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन कंटिन्यू रहेंगे। अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये फ्राइडे वाला सेशन, जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा। और इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी अस्सलाम वालेकुम वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। लास्ट वीक की हमने जिस तरह वीडियो में और इसे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस करते आए हैं, इस वक्त कंट्री के हालात चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर भी नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि ये भी इस वीक भी जो है जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन अब वापस से एक हुई है और लॉन्ग मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो है वो मार्केट में भी उसका प्रेशर देखा गया है। और मार्केट ने तकरीबन इस वीक 1000 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो कमी देखी गई इंडेक्स के अंदर। और KC 100 इंडेक्स का जो लेवल है 41,100 के लेवल के आसपास जो है वो बंद हुआ है। ओवरऑल दो तीन चीज़ें, पहले इकोनॉमिक कंडीशन और उसके बाद पॉलिटिकल साइड पे बात करते हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में जिस तरह आप चीज़ें चल रही थी, $1.5 बिलियन जो है हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले हैं, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद जो रुपी है वो जो है वो इंटर बैंक के अंदर ओपन मार्केट के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल होगा यानी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसके हमने उसके बरक्स देखा कि जो इस रुपी है वो कंटिन्यूसली वीक होता हुआ नजर आया। और इस वीक तकरीबन 1.5 रुपये के करीब जो है वो इंटर बैंक के अंदर जो है वो रुपी जो है वो ट्रेड जो है महंगा हुआ है। इसके साथ साथ ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में जो है 226 के रेट फ्राइडे वाले दिन जो है वो ट्रेड कर रहा था या मिल रहा था, लेकिन जो है वो शॉर्टेज है ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की भी, इवन वीज़ा और टिकट्स के ऊपर भी जो है वो डॉलर जो है मिलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो ये रोल ओवर वीक जिस तरह चल रहा था, रोल ओवर वीक में था थोड़ा सा प्रेशर रहता है मार्केट के अंदर, तो ये वीक रोल ओवर वीक भी था उसका भी प्रेशर था। और उसके साथ साथ जो जिस तरह पॉलिटिकल एक हाइप क्रिएट हुई है, पॉलिटिकल लॉन्ग मार्च का जो है वो 2 दिन पहले जो है अनाउंसमेंट हुई और आज से पॉलिटिकल लॉन्ग मार्च जो स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें थी जिन्होंने मार्केट के ऊपर प्रेशर जो है बिल्ड करके रखा। ओवरऑल जो रिजल्ट सीज़न जिस तरह हमने बताया था कि कंटिन्यू, और इस वीक तकरीबन जो है वो रिजल्ट सीज़न तकरीबन समअप हो गया है, थर्ड क्वार्टर कह लें या फर्स्ट क्वार्टर कह लें उसका। और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारे उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। सीमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, OMCs के रिजल्ट जो है ऑन एवरेज जो है वो बेहतर भी थे, कुछ वो थे बैंक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, तो बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। फर्टिलाइज़र के थोड़े से शायद इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है जिस तरह की फ्लड आया था और यूरेसीज वगैरह उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर थे। और इसके ऑटो सेक्टर के भी रिजल्ट जो है इतने खास ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मेजोरिटीज़ कंपनीज़ के रिजल्ट जो है बहुत अच्छे रहे। और जो एक्सपेक्टेशंस जो थी कि शायद फर्स्ट क्वार्टर अच्छा नहीं होगा उसके बरक्स, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में कोई मोमेंटम या सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हुए नज़र नहीं आए। नेक्स्ट वीक भी यही है कि एक तो ये धरना जो है लॉन्ग मार्च जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और आगे जिस तरह डेवलपमेंट होती है तो मार्केट की जो डायरेक्शन है उसे जो है डिसाइड करेगा। उसके बाद नवंबर के शुरू में जो IMF की टीम भी आनी है और IMF के साथ भी मुज़ाकरात होने, और जो IMF की तरफ से बात है नेक्स्ट वीक भी उसमें IMF पॉसिबली जो भी उसकी कंडीशन होगी, न्यू टैक्सेस लगते हैं या नहीं लगते, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या बातें होती हैं, तो वो एक मार्केट चीज़ों को जो है वो डिफाइन करे। इसके अलावा फेड की मीटिंग है 1st और 2nd को, जिसमें फेड भी जो है पॉलिसी रेट बढ़ाने जा रहा है, और वो भी जाहिर सी बात है दुनिया भर की जो इक्विटी मार्केट है उस पर जो है इसका इंपैक्ट जो है वो नजर आएगा। उसके साथ साथ इसका इंपैक्ट जो है वो हमारी करेंसी के ऊपर भी जो है वो नजर आएगा। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है चाइना का, जो 1st नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 डेज का ये विजिट है, और उसमें भी डिफरेंट MOUs वगैरह और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड बातें होंगी, और उसके डेट रोल ओवर जो है उससे रिलेटेड भी बातें होंगी कि जो चाइना से हमने डिपॉजिट्स लिए हुए हैं या डेट है वो रोल ओवर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करेंगी। और अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव करने हैं तो पॉलिटिकल साइड पे जो आइस ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे जो लॉन्ग मार्च चल रहा है इसमें देखें कि किस तरह चलता है। ये जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं ये जो है मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त जो जो मार्केट की मोमेंटम को जो है वो डिसाइड करेगा। तो नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने बताया कि सारी चीज़ें हैं, और ख़ासतौर पर जिस तरह ये पॉलिटिकल लॉन्ग मार्च वगैरह चल रहा है, तो काफ़ी जो एहतियात के साथ काम करना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट इस साइड पर होती है तो फिर जो है मेरे ख्याल से पोजीशन लेनी चाहिए, वरना बाकी जो है फिर वेट करना चाहिए। थैंक यू।